हाय दोस्तों, यहाँ पे हम इस समय हैं तुलसी घाट और यहाँ पे गुरुजी हैं पंडित जी। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ की कुछ विशेषता के बारे में। प्रणाम पंडित जी। मंगल हो, आशीर्वाद। आप कुछ तुलसी घाट की विशेषता के बारे में बताइए प्लीज। रामचरितमानस तुलसीदास जी काशी में आए और रामचरितमानस का निर्माण बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे और ये मंदिर में महादेव जी को रखी गई साक्षी के मानने के लिए और ये भगवान का दरवाज़ा बंद करके रात भर उसको पुस्तक को रखा गया और भगवान शिव ने स्वयं लिखे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यह सत्य है। जितने हमारे रामचरितमानस में रामचरितमानस का चौपाई है, संस्कृत का चौपाई है प्रथम, जैसे वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम भी मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्समीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरूपिणम यमासुतो हि वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंदते सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहार वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ उद्भव इति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां जन्म माया वंशोत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादिमिखै भाति सकलं रजोजिथाहि वनम जत पात पलक मेक मही भवान बोधे तिथि सावताम वंदेहम तम संस्कारण परम रामाख्यमी संहरिम नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम खोजितम दुविभव स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुर मात नोती। ये श्लोक भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम ये लिख दिए हैं। यह सत्य है और ये तुलसीदास जी ये नाम ही पड़ गया, तुलसी घाट ही नाम पड़ गया और तुलसीदास जी ये निर्माण लेकर भगवान को चंदन श्री राम को लगाकर भगवान को और हनुमान जी से मित्रता हुई तो इसके बाद यह सारे विश्व में भगवान का यह मंत्र बुला रहा जी। यही बात। और पहले के मुकाबले अब काफी साफ है, साफ सफाई है। हाँ, काशी नगरी मोदी जी के आने के बाद मोदी के आने के बाद जी। जब प्रधानमंत्री आए तो इसके बाद में इनका विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ जी। जैसे अयोध्या में भगवान राम का निर्माण किए और काशी विश्वनाथ का जितना पैसा देकर जमीन खरीद कर इसके बाद में वहाँ बहुत से जमीन हटा कर उसका फैलाव कर और वहाँ भगवान का सफाई और मकान उकान जितने वहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था अच्छी तरह से की गई और यही बात है। यहाँ भी सफाई अच्छी तरह से काशी नगरी में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो चुकी है। क्या लगता है गुरुजी, अभी जैसे चुनाव 7 मार्च को है तो दोबारा किसके आने की संभावना है? योगी जी? योगी जी भी आएंगे और मोदी का प्रभाव अच्छा है दोनों का। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के लिए, अभी तो सीएम के लिए हो रहा है। तो 7 तारीख को हमारे यहाँ बनारस में चुनाव है। अच्छा। तो उसके बाद क्या लगता है कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएंगी, भगवान योगी महाराज जी आएंगे हमारे। योगी का आशीर्वाद तो अच्छा से चल रहा है, जिस जे मानता है उसको भगवान स्वयं मानते हैं। अच्छा। जो मानते हैं वो भगवान स्वयं मानते हैं। अच्छा। तो जिसका लोग सेवा कर रहे हैं भगवान का तो अच्छी तरह से उनको मर्यादा अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी मुझसे बात करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा आशीर्वाद।